यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। पूरे देश में बहुत ज्यादा मशहूर है, इनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि इनकी आवाज पूरे सभी के दिलों में जाकर बसती है। जी मैं बात कर रही हूँ हंस राज हंस जी की। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं पूरी खबरें अभी तक की टीम की तरफ से आपका वेलकम करती हूँ हमारे चैनल पे। शुक्रिया। तो सर, आप जिस समारोह के लिए आज यहाँ पर मौजूद हैं, आप हरियाणा में आए हैं, आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी अपनाओ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये हमारे छोटे भाई हैं यहाँ के MLA साहब, जनाब वसीम गोयल साहब, उन्होंने जो मूवमेंट चलाई है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बेटियों के बारे में, जिस मुल्क में बेटियों की इज्जत, बेटियों का पालन पोषण, बेटियों की इज्जत आबरू महफूज नहीं है, वो मुल्क कभी खुशहाल नहीं हो सकता। ये बहुत खूबसूरत और अच्छी सोच को लेकर ये एक किस्म की मूवमेंट है, मुहिम है, ये चलाई है, और मैं खुश नसीब हूँ कि असीम साहब ने बुलाया है और मैं इस मूवमेंट में थोड़ा योगदान पाऊँ। जी बिल्कुल सर, आप एक बहुत ज़्यादा गुड कॉज के लिए यहाँ पर आए हैं और हम चाहते हैं कि जिस कॉज के लिए आप यहाँ पर आए हैं वो ऐसे ही आगे बढ़े और हमारी देश की लड़कियाँ और ज़्यादा ऊपर जाएं। जी सबसे पहले तो माँ की वजह से लीडर है, माँ की वजह से संत है, माँ की वजह से शूरवीर है। माँ दुनिया में औरत आफ्टर गॉड क्रिएटिव पावर है तो औरत है। बिल्कुल। तो बेटी को बचाओगे तो आगे नस्लें बढ़ेंगी, मुल्क खुशहाल होगा। जी तो सब लोगों को इसमें हिस्सा डालना चाहिए। जी बिल्कुल। तो अगर अब हम आपकी सिंगिंग की बात करें, आपके सिंगिंग करियर की शुरुआत की बात करें, तो वो किस तरह से हुई, आपने कैसे सोचा कि आप एक सिंगिंग लाइन में आना चाहते हैं? हमारी कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है म्यूजिकल जी, हम तो खेतों में काम करने वाले लोग हैं और मैं गा रहा हूँ जी। डेस्टिनी कह लें, परालब्ध एक शब्द होता है हिंदी में जी, तो इंग्लिश में इसे बोलते डेस्टिनी, इट्स ऑल डेस्टिन्ड। जी बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है मेरी किस्मत में ये था जी और मैं कर रहा हूँ और खुश नसीब। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप यहाँ पर आए और तभी हमें आपकी आवाज़ सुनने के लिए मिली जी। अच्छा, अगर आप बात करें आपके गुरु की, तो आपके गुरु कौन रहे सर? मेरे गुरु जी म्यूजिक के उस्ताद पूरन शाह कोटी, वो सूफी सिंगर है जी, तो उन्होंने सूफीज्म की और सूफी संगीत की तालीम दी जी। तो आपने उस्ताद यमला जट से भी कुछ पल? हाँ, यमला जट जो है वो जब मैंने होश संभाली जी उनके गाने बजते थे बिल्कुल गांव में, बिल्कुल, तो वो सुपरस्टार थे उस वक्त जी। मैं समझता हूँ अगर मैं सिंगर हूँ तो उस एक तारे की वजह से। बिल्कुल, एक तारे की वजह से। तो आपने एक तारा बजाया, दो तारा बजाया, तीन तारा बजाया। हाँ, अब तो सौरंगी भी बजाइए। अच्छा 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 अच्छा। तो सर, अगर बात करें, मैंने ये भी सुना है कि आप घर से निकल गए थे और घर से निकल कर आप गाना गाने लगे थे, मतलब इतना प्यार हो गया था आपको गाने से, कि उसके बारे में आप बताएं हमें थोड़ा। थोड़ा उस वक्त माँ बाप लाइक नहीं करते थे शो बिजनेस को, वो कहते थे कि ये किसी खास बिरादरी का काम है। तो फिर वालदैन या कह लें मेरे पेरेंट्स, मेरे ख़ास तौर पे फादर साहब थोड़े सख्त मिजाज थे, तो अब मैं सोचता हूँ जो सख्त मिजाज होते हैं माता पिता, वो आपके लिए फ़िक्रमंद ही होते हैं और तो कोई बात नहीं। तो खैर, मैं डर के मारा भाग गया था फिर। अच्छा, ऐसे बाहर ही रहा हूँ मैं। योगी, एक योगी काटा है मैंने, ये योगियों की तरह ज़िंदगी है, दरवेशों की तरह ज़िंदगी है, दरगाहों में परवरिश हुई। तो बस ये मुझे इल्म देना था रब ने, इस फन को उसने कर्म करना था। बिल्कुल। तो मुझे ऐसे ले गया भगा के, मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं सोचता हूँ उम्र के इस पड़ाव में मैंने कुछ नहीं किया, इस हैपेंड। बिल्कुल, जो आता रहा आप उन्हें हंसी से खिलखिला के सब अपना रहे। हंसी से नहीं, रोते रोके भी। मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जी, जी। कभी उदास भी हो जाता था, कभी हंसता था, लेकिन कबूल हालात लेते गए, ये कह रहे हालात बनते गए, रास्ते भी फिर बाद में बनते गए। एक वक्त आता है लगता अंधेरे के सिवा कुछ नहीं है, तो जिनको पता होता है रात के बाद सूरज आएगा
बिल्कुल, उनको तो पता, बच्चे को नहीं पता होता, तो लगता तो ऐसे था करियर को लेके कि पूरी जिंदगी अब अंधेरे में कटेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मालिक को तरस आ गया, मैं हिट हो गया। फिर मेहनत रंग लाती है सर, जो आपने जितना आपने स्ट्रगल की ना, वो रंग है, वो आपकी मेहनत का फल है आपको जी। अच्छा, ऐसा कब समय आया कि जब घर वालों ने अपना लिया, जब पापा ने बोला कि कोई बात नहीं? नहीं, उन्होंने ठुकराया तो कभी नहीं था जी। लेकिन उनको ये लगता था ये बंदा किस काम में पड़ गया। उस वक्त फिल्मों में आना और गाना बजाना स्टेज पे लोग अच्छा नहीं समझते थे। तो फिर मेरा जब नाम हो गया, फिर हालात भी चेंज हो गए, फिर लोग मेरे पिताजी के पाँव छूते थे कि आपका ही बेटा है। वो थानेदार गांव में आ जाए ना, तो वो बोलते थे कि थानेदार इसकी रेस्पेक्ट करता है। तो मेरे तो फिर आईजी भी दोस्त बन गए, जिसके अंडर वो थानेदार होते थे, मैंने वो भी उनको पापा जी कहते। तो कहने लगे ये काम तो अच्छा था बेटा, ऐसे ही आपको डांटते रहे। क्या बात है सर। अच्छा सर, जो आपके बेटे हैं युवराज हंस सर जी, वो भी इसी लाइन में है, आपसे इंस्पायर होके आए हैं। अच्छा, कभी ऐसा नहीं रहा कि वो अपनी मनमर्जी से आए, या फिर आपने उन्हें कहा कि इस लाइन में आइए? मेरे दो बेटे हैं, नवराज हंस और युवराज हंस। नवराज जी अभी बागी टू, बहुत सारी फिल्में, सोनू का टैटू का, उसमें गाने थे जी। तो युवराज जी हीरो हैं, लेकिन मैंने उनको मना नहीं किया। उनका भी डेस्टिनी से कह लें, लेकिन उन्होंने डिग्री हासिल की, बाकायदा तालीम ली, यूके में यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम पढ़े हैं। लेकिन कहने लगे हमारे में बहुत आर्ट है, लोग कहते हैं। मैंने कहा करो फिर जी। तो फिर वो बॉम्बे बड़ा चले गया, छोटा तो अभी यूथ फेस्टिवल में ही कर रहा था कोई परफॉर्म, युवराज जी, तो उसको हीरो ले लिया गया जी। अब 10-11 फिल्मों में वो हीरो है जी। अच्छा, तो सर अगर हम बात करें, जैसे सूफी जो गाने हैं, फोक गाने हैं, आजकल बहुत कम होते जा रहे हैं इनका, कहते हैं कि वो जो एरा था, एक पूरा एरा था, वो एकदम जाता जा रहा है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और आजकल के जो सिंगर्स हैं, वो इस एरा को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे? या फिर कोई बात नहीं, ये आवर्तन है, ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। कभी आपने देखा होगा मेलोडी आती है, फिर कभी फास्ट आ जाता है, फिर वही होता है, तो कोई ऐसी बात नहीं। सांच को आँच नहीं, एंड ऑफ द डे सच कायम रहता है। सूफी का मतलब है सच जी, ह्यूमैनिटी का इसमें पैगाम है, मैसेज ऑफ लव है, जिसकी सारी दुनिया को इस वक्त ज़रूरत है जी। अच्छा, तो सर अगर हम बात करते हैं, थोड़ी सी पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं, जो बीजेपी और पीडीपी है, इनका जो गठबंधन था वो टूट रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? वो टूट नहीं रहा, टूट गया है जी। वो एक्चुअली बहुत खूबसूरत धरती है कश्मीर, बिल्कुल वाकई जन्नत है, लेकिन किसी की नज़र लगी हुई है, किसी पीर फकीर ने बददुआ दे दी उस धरती को कि इतने खूबसूरत लोग, इतनी खूबसूरत धरती, लेकिन फिर भी चैन से नहीं रह पाएंगे। रोज ही माएँ रोती हैं, अपने ही अपनों को मार रहे हैं, इंसान ही इंसान को मार रहा है। तो उस वजह से जो कंट्रोल जिनसे नहीं हो रहा था, उनका साथ छोड़ना हमारी हाई कमांड ने बेहतर समझा। ये बड़े लेवल के फैसले हैं, तो उन्होंने डिसीज़न लिया है, तो राइट डिसीज़न लिया है जी। कि अगर हम अभी अमरनाथ यात्रा आने वाली है, इससे पहले ईद थी, इतना यानी उन्होंने सीज़ फायर भी कर दिया, लेकिन जो नेगेटिव पावर्स हैं वो बाज नहीं आती, उनको पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से फंडिंग हो रही, क्या हो रहा है, इतनी कत्लो गारत है। तो फिर बेहतर है राजबाग छोड़ देना चाहिए, और बीजेपी ही ऐसा कर सकती है जी। अच्छा सर, अगर आपके कमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो आप क्या कुछ हम सभी के लिए लेकर आ रहे हैं? कुछ ना कुछ चलता रहता है। पिछले दिन एक हुक गाना आया था जी, बिल्कुल दो गाने आए हैं, तो बस लगी रहते हैं जी। सर आप जाते जाते हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ऑडियंस को यही कहूँगा कि हरियाणा बहुत खुशहाल है, ये पंजाब का भाई है, हम एक ही हैं, पूरे वैसे तो हिंदुस्तान एक है, लेकिन हरियाणा पंजाब तो एक एक ही है, हमारी बोली, हमारा कल्चर, तहजीब। आप खुश रहो, हमेशा खुश रहो, सलामत रहो, और सुर में रहो।
तो जब देखो इसकी हरियाणा की डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई है, तो यहाँ के सीएम साहब को, यहाँ की गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है। मैं अक्सर सीएम साहब को मिलता हूँ, इतने विनम्र साधु जैसे, संतों जैसी उनकी पर्सनैलिटी है, ये सीएम साहब ही लेके जाते हैं। तो हरियाणा बहुत तरक्की कर गया, हम थोड़े जेलस भी हैं। पहले दारा सिंह और बहुत बड़े बड़े वे हीरो हम पैदा करते थे, अब मिस यूनिवर्स भी इधर से है, और रेसलर लड़कियां जो जिनसे फिल्म बनी वो भी इधर से हैं, पहलवान भी इधर से हैं। और गुड़गांव जाएं, अब पूजा साड़ी में बैठा हूँ, पता लगता ही नहीं इंडिया में बैठे हैं जी। इतना खूबसूरत जगह बन गई जी। तो मैं खट्टर साहब को भी मुबारक दूंगा, उन्होंने अपनी स्टेट को इतना मोहब्बत की, इतनी डेवलपमेंट की, तो जिन जिन का भी हिस्सा है वो मुबारक के हकदार हैं। थैंक यू सो मच सर। तो इसी के साथ लेती हूँ मैं आप सभी से विदा, नमस्कार। आज सर ये जो समारोह रखा गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी अपनाओ के बारे में, इसमें आपका क्या टेक है लड़कियों के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा, स्पेशली यूथ मैं बहुत फॉलो कर दिया, कि जे साढ़े घर बेटी नहीं होएगी इन फ्यूचर है ना, तो गर्लफ्रेंड कितों आएगी? सीधी जी गल है ना, ये सच्चाई है साढ़े समाज की, कि अपनिया भैनों का सानू रिस्पैक्ट करनी चाहिए है, और अपनिया मावां की। और जे अज आप अच्छी नूँह की, अच्छी गर्लफ्रेंड की, अच्छी वाइफ की जो उम्मीद रखते हैं, वो ताही है कि सानू बेटी का सत्कार करना पेगा, रिस्पैक्ट करा, ताही आप एक अच्छे जीवन साथी की उम्मीद कर सकते हैं जी। सर तो ये तो आज ये जो हमने समारोह रखा है, ये तो आपने एक मैसेज दे दिया, ये खुद भी एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है, लेकिन आज तक आपने क्या कुछ किया है लड़कियों के लिए? मेरा गाना तुसी सुनया होना, भाभी थोड़ी एंड आ, उहदे बोल मैं दसदा, हर एक गीत दे विच कुड़ियां दी तारीफ सीगी, कि किसी तो डरना नहीं और कदे घबराना नहीं। एक बड़ी सोहनी लाइन है साडी गुरबाणी दी, निरभउ एंड निरवैर, कि ना किसी नाल वैर रखना है ना किसी तो डरना है। मेरा सारा गाना इदां दा सीगा, मैं चाके लैंदा ना बग्गा नी नार दे, ओ भाभी थोड़ी एंड आ, वी भाभी थोड़ी एंड आ, वो कड़ा ओदे हाथ आते अड़ब जी माते आते चौंदी सत्कार, वो डरदी ओ घट आ निशाना ओदा हत आ लसंसी हथियार, ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜੱਟੀ ਨੂੰ ਅੱਖ ਚੱਕ ਲੂੰ, ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਬੈਂਡ ਆ, ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਬੈਂਡ ਆ, ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਬੱਗਾ ਨੀ ਨਾਰ ਦੇ, ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਡ ਆ, ਵੀ ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਡ ਆ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਾ ਹੋ ਐਂਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ। ਸਰ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਮੋਡੀਫਾਈਡ, ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤੇ ਔਰ ਕੈਸਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਆਡੀਅੰਸ ਕਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਕੁਲਸ਼ਾਨ ਜੀ ਨੇ ਫੀਚਰ ਕੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਲੋ ਸਕੇਲ ਪੇ ਔਰ ਹਾਈ ਸਕੇਲ ਪੇ, ਰੋਬੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ, ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਦੁਲਹਨ ਹੈ ਉਸਕੀ ਆਪਕੋ ਨਜ਼ਰ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਹੋ ਟੌਰੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਆਇਆ ਬੈਨ ਜੱਟ ਦੀ, ਜੈਨੀਫਰ ਵੀ ਆ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਫੈਨ ਜੱਟ ਦੀ, ਲਾਲ ਅੱਖ ਨਾਲ ਸੂਟ ਮੈਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੱਕ ਲੈਣ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਟ ਮੋਡੀਫਾਈ ਰੱਖਦੇ, ਫੁੱਲ ਬੇਸ ਚੱਕਦੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਗੇੜੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਟ ਮੋਡੀਫਾਈ ਰੱਖਦੇ, ਫੁੱਲ ਬੇਸ ਚੱਕਦੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਗੇੜੀਆਂ। खबरें अभी तक की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई आपके गाने के लिए, और ऐसा करें भगवान कि आप आगे भी बहुत ज्यादा तरक्कियां करती जाएं। थैंक यू सो मच। खबरें अभी तक सारी टीम थोड़ी बहुत अच्छी है, और अच्छी अच्छी अपडेट्स तुसी देने रहने हो, पूरी टीम नो दिलों मुबारक, और सारे नो जेडे मोडिफाइड गाने नो प्यार दे रहे हैं, सारे नो धन्यवाद सारे दा, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तुसी सारे सियाणे हो, तुहानू कुछ कहण दी लोड़ नहीं, धीआं दा सत्कार करो। थैंक यू। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो इन्होंने जो शुरुआत की थी, मेरे ख्याल से ये पानीपत से की थी उन्होंने, और ये असीम गोयल जी ने उसका एक उसकी वृद्धि की है कि बेटी अपनाओ भी उसमें उन्होंने ऐड किया है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत ही महान कार्य है, क्योंकि एक भारतीय होने के नाते मैं समझता हूँ कि जो स्त्री है, एक जो नारी है, नारी जाति है, ये पूजनीय है, ये शक्ति का रूप है। आप तो जानते हैं, अगर हमारे पुराण पढ़ें, हमारे शास्त्र पढ़ें, तो हमने स्त्री को शक्ति का रूप माना है, दुर्गा का रूप माना है, तो और प्लस ये जननी है, इससे हमारे मानव जो सृष्टि है उस सृष्टि बढ़ती है और ये आगे चलती है। तो इसके लिए ये बहुत ही महान कार्य है, बहुत ही अच्छा बक्का बात है, और बच्चियों को तो बेटियों को पढ़ाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो देश जब बच्चियों को पढ़ाते हैं और जहाँ पे औरतों की इज्जत होती है, वही देश सबसे ज़्यादा तरक्की करता है। मेरे लिए बहुत
Like, I mean, it's a very good thing. I'm very proud to be a part of this kind of a function which Mr. Aseem has organized. And I wish him all the best. He's a young MLA from Ambala city, I think so. And he's a dynamic leader. He's doing very good work. और ये जो भी हो रहा है हमें बेसिकली हम ये अवेयरनेस लाना चाहते हैं कि अपनी बच्चियों को पढ़ाओ उनका ये ना कि जो भ्रूण हत्या है उसके तो सख्त खिलाफ हैं हम और हमारा रेशो असर संतुलन बिगड़ेगा प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा अगर हम कि हम ये लड़का आज लड़की देखिए हर फील्ड में कहाँ कम है इट्स अ वेरी गुड थिंग काबिले तारीफ बात है धन्यवाद तो हमारे साथ इसी समारोह में रिमी सेन भी मौजूद है आइए रिमी सेन से पूछते हैं कि उनका क्या टेक है इस पूरे कॉज पर टेक क्या है एक्चुअली टेक जो भी है बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि असीम गोयल जी की तरह लोग हैं हमारे देश में जो इतने नेक विचारधारा के साथ ऐसे कैंपेन को आगे बढ़ाते हैं ऐसे बेटियों का मदद करते हैं और उनको पढ़ाते हैं उनको अपनाते हैं और सिर्फ ये नहीं कहते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी अपनाओ नारा दे के चले जाते हैं सच में वो मीन करते हैं सच में उसके ऊपर काम करते हैं सच में वो कर रहे हैं बेटियों के लिए बहुत जो मैंने खुद देखा हुआ है एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग जो बहुत लोग सिर्फ बोलते रहते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है लेकिन असीम गोयल जी ऐसे हैं जो हमेशा करेंगे बोलेंगे बाद में लेकिन करके दिखाएंगे पहले तो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट हिम आई लाइक हिम दैट्स व्हाई तो अगर इसी के साथ आपने बताया भी स्टेज पे जैसे कि आप हरियाणा में पहली बार आई हैं तो कैसा फील हो रहा है हरियाणा में आके बहुत अच्छा फील हो रहा है पहली बार मैं आई हूँ थोड़ा सा गर्मी है लेकिन अच्छा है बहुत सारे लोग हैं एनर्जी बहुत है तो अच्छा लगता है रिमी सेन में डर किस चीज का है तो आइए उनके संगीत मैं डरती नहीं हूँ नहीं इतना कुछ डर नहीं है मेरा अच्छा तो जैसे अभी आपने फिल्मों में दिखना थोड़ा कम कर दिया उसका रीज़न क्या कह सकते हैं क्योंकि मैं अभी एक्टिंग पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही हूँ मुझे प्रोडक्शन में आने का कोशिश कर रही हूँ क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म चीज़ है क्योंकि एक एक्ट्रेस का लाइफ जो है वो 5 साल 6 साल 10 साल 7 साल अनलेस वो तब के ज़माने में जैसे माधुरी दीक्षित श्रीदेवी जी हुआ करती थी जो सालों साल चलती थी लेकिन आजकल कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है कि बहुत शॉर्ट लिव्ड हो गया है तो साइड बाई साइड एक दूसरा बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है तो जो कि लॉन्ग टर्म है तो प्रोडक्शन आई थिंक मैं जब एजेड भी हो जाऊंगी तभी मैं प्रोडक्शन कर सकती हूँ और वो चीज़ मुझे ज़्यादा अपील करता है और मैं उसी में ट्राई कर रही हूँ अच्छा मुझे तो जो आपकी पर्सनल फिल्में पसंद हैं जो आपका रोल पसंद है वो थैंक यू और धूम में बहुत ज़्यादा पसंद है अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका कौन सा फेवरेट रोल है मैंने एक फिल्म किया था जॉनी गद्दार मुझे वो फिल्म बहुत पसंद थी थैंक यू सो मच और जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे हमारी खबरें अभी तक के व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि आज हम लोग सिर्फ यहाँ पे गेस्ट अपीयरेंस देने नहीं आए आज हम लोग एक मैसेज पहुँचाने आए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी अपनाओ को आगे बढ़ाने आए हैं तो प्लीज़ हमारे साथ पार्टिसिपेट कीजिए और सोचिए समझिए बेटियों के बारे में और उनके साथ जो भी अगर एक बेटे को आप जो भी देते हैं जो भी अपने तरह से प्यार देते हैं सपोर्ट देते हैं उसे डबल आप बेटियों के लिए कीजिए क्योंकि उनको हमेशा आपकी ज़्यादा ज़रूरत होती है खबरें अभी तक की ओर से मैं कल्याणी वडेरा विद कैमरा पर्सन जतन